आज का जो वीडियो है उसमें प्रोबेबिलिटी में बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं बैग्स एंड बॉल्स वाली, इसको लेके काफी ह्यूज कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है और हर एक में स्टूडेंट एक ही तरह सोचता है, जबकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, प्योर कॉमन सेंस है। तुम्हें पूरी तरह से कॉमन सेंस लगाना है, मैथमेटिक्स का यहाँ पे कोई लॉ नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि अगर बैग से बॉल निकाल रहे हैं तो बॉल तुम्हें दिख नहीं रही, एट रैंडम कोई भी बॉल निकाल सकते हो, क्योंकि अगर बॉल दिखेगी तो जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, बॉल हमें विजिबल नहीं है बैग से। दूसरी चीज, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, बॉल्स ड्रॉ करी जा रही है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकाली उसको चेक करा फिर वापस डाल दी, फिर निकाली फिर चेक करा फिर वापस डाल दी। ठीक है, और बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके बॉल निकालते जा रहे हैं और जैसी रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी है वो चीज हमने कैलकुलेट कर ली। तो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, या बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, सपोज करो 3 बॉल निकालनी है तो तीनों बॉल हाथ डाल के हमने एक साथ निकाल ली, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये दोनों कैटेगरी एक होती है। 1 by 1 अगर बॉल निकाल रहे हो तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, तो यहां पे ऑर्डर कंसिडर होना चाहिए। सपोज कर लो 5 white 5 red 5 black बॉल्स है और 3 बॉल्स तुम्हें निकालनी है, 1 by 1 निकाल रहे, तो ऑर्डर ऑब्वियसली पहले बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया, वो चीज कंसिडर होगी। और इस बात की सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 red आए 1 white आए और 1 black। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस बात को बहुत सीरियसली समझो। कई जगह हम लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं कि ऑर्डर कंसिडर करना है कि नहीं करना है, कई जगह ऑर्डर कंसिडर करते हैं, बाय डिफॉल्ट कंसिडर हो जाता है, कई बार नहीं कंसिडर होता है, तो एक बहुत इजी प्रॉब्लम तुम्हारी गलत हो जाती है। और बहुत तरीके की प्रॉब्लम इस वीडियो में इंक्लूड करी है, हर टाइप की प्रॉब्लम इंक्लूड करी है, बैग्स एंड बॉल्स वाली। तो जिसको अगर ये सारी प्रॉब्लम कर लेते हैं तो उसके बाद बैग और बॉल वाली प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत सीरियसली सुनना होगा सारी बातों को। तो अगर 1 by 1 निकाल रहे हो, तुम सपोज कर लो तुम निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, प्रॉबर्टी बतानी, एक रेड एक व्हाइट और एक ब्लैक आएगी, तो यहां पे ऑर्डर कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि एक एक करके बॉल निकाले तो फर्स्ट कौन सी आई, सेकेंड कौन सी आई, थर्ड कौन सी आई, ये बात यहां पे रिलेवेंट होगी। तो 5 white है 5 c1, सपोज कर लो ये रेड निकाल ली, ये व्हाइट निकाल ली और ये ब्लैक निकाल ली, और टोटल बॉल है 15, नीचे तीनों बॉल एक साथ निकाल 15 c3, ऊपर 1 by 1 निकालना कंपल्शन है, एक एक करके बॉल निकालनी पड़ेगी बिकॉज सब अलग अलग कलर के हैं, और नीचे हमने 15 c3 से तीनों बॉल एक साथ निकाल ली। तो ये 15 c3 होता क्या है, nc3 होता है, n n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 factorial, तो 15 c3 हो जाएगा 15 × 14 × 13 और 3 factorial जो कि होता है 6। तो रेड व्हाइट ब्लैक का ऑर्डर, रेड व्हाइट ब्लैक को अगर एक लाइन में अरेंज करते हो तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 factorial से अरेंज कर सकते हो, तो 3 factorial से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑर्डर कंसिडर हो गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर तुमने 1 by 1 ऊपर भी बॉल निकाली और 1 by 1 नीचे भी बॉल निकाली, टोटल थी 15 15 में से एक निकाल ली, फिर ये रेड आ गई, फिर व्हाइट निकालो 5 में से 1 white आ गई, टोटल 14 बॉल बची, फिर ब्लैक निकाल लो 5 में से 1 black बॉल आ गई और टोटल 13 बॉल बची, 13 में से 1 निकाल लिया, तो यहां पे ऑर्डर कंसिडर नहीं हुआ है, यहां पे सिंपली एक ही ऑर्डर आ रहा है, रेड देन व्हाइट देन ब्लैक, जबकि इन सब के अरेंजमेंट काफी बनेंगे RBW WBR, बिकॉज अपना कॉमन सेंस लगाओ तो 1 by 1 निकाल रहे हो तो ऑर्डर कंसिडर होना चाहिए। इस वजह से इस पूरे को तुम्हें 3 factorial से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाय द वे ध्यान से समझो इस बात को, 15 c3 लिखने के पीछे इंटेंशन ये था
किसका 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके अपने आप ही ऑर्डर बना लेता है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन हमें विद रिप्लेसमेंट करना है, मतलब बॉल निकाली और डाल दी, विद रिप्लेसमेंट करना है, तो तुम 15C3 लगा ही नहीं सकते, बिकॉज 15C3 में NCR में कोई चीज रिप्लेस नहीं होती है, ठीक है, सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो अगर विद रिप्लेसमेंट करना है तो पहली व्हाइट निकालो, टोटल 15 थी, मान लो पहली रेड निकाली 15 थी, फिर व्हाइट निकाली 5 में से, फिर 15 बॉल हो गई बिकॉज तुमने वो बॉल रेड वाली वापस रख दी, फिर तुमने ब्लैक निकाली 5 में से 15, और ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है RWB का, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है RWB का। तो हमें यहां पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अगर 1 by 1 तुम बॉल निकाल रहे हो तो ऑर्डर कंसिडर करना होगा, ठीक है। यहां पे हम 15C3 फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज चीजें यहां पे रिप्लेस हो रही हैं, और बॉल्स को अगर साइमल्टेनियसली निकाल दो, हाथ डाला और तीनों बॉल एक साथ निकाल ली, तो क्या होगा, तीनों बॉल एक साथ आ गई, यहां मैच नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, तीनों बॉल एक साथ आ गई तो फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर हमें कैंसिल करना है, तो क्या तरीका होगा सी के लिए, ध्यान से देखो, और वन साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो, तीनों बॉल हाथ डाल के साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट का मतलब नहीं बनता। तो 5C1 से हमने सपोज कर लो, और ऊपर 1 by 1 निकालना मजबूरी है बिकॉज सब अलग अलग कलर की बॉल है, रेड व्हाइट ब्लैक, नीचे तुम 15C3 नहीं लगा सकते बिकॉज 15C3 लगाओगे तो 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना देगा, और ऑर्डर हमें नहीं चाहिए बिकॉज तीनों बॉल तुम एक साथ निकाल रहे हो, तो इस केस में तुम नीचे 1 by 1 बॉल ड्रॉ कर लो, 15C1, 14C1, 13C1, समझ में आ रही बात। तो ये चीजें बच्चे कंसिडर नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आई होप ये बात अपने दिमाग से सोच सकते हो कि अगर 1 by 1 बॉल निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर एक साथ बॉल निकाल रहे हैं तो ऑर्डर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अगर तीन चीजें एक साथ आ रही है तो ये मैटर नहीं करता है कि पहले क्या आया, सेकेंड टाइम क्या आया, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ आ रही, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, 1 by 1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब होगा कि पहले क्या आया, दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया, और अगर सारे अलग अलग कलर्स के हैं तो RWB के 3 फैक्टोरियल से परमिटेशन बन जाएंगे। तो आई होप ये समझ रहे होंगे कि 1 by 1 निकाल रहे हैं तो नीचे तीनों बॉल एक साथ निकाल लेंगे, और अब ये बात हमें समझ में आ रही है नीचे तीनों बॉल एक साथ निकालने से फायदा क्या होगा, इसका 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना लेंगे। और अगर साइमल्टेनियसली बॉल निकाल रहे हो तो नीचे 15C3 मत लिखना, क्योंकि 15C3 का 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा, और साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों बॉल निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली ऑर्डर कंसिडर नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। और एक साथ अगर बॉल्स निकाल रहे हैं तो रिप्लेसमेंट का मतलब ही नहीं बनता है, तीनों बॉल हाथ डाल के एक साथ निकाल लिया, 1 by 1 निकालेंगे तो ऑब्वियसली हम पूछेंगे कि विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, और अगर मेंशन ना हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि अगर विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो एक स्पेशल केस है, ये एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस पे जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड करें हम लोगों ने, तो 1 by 1 देखते जाओ। 2 balls आर ड्रॉन एट रेंडम विद रिप्लेसमेंट, मेन पार्ट ये, 2 balls are drawn at random with replacement. अगर with replacement निकाल रहे हो तो obviously 1 by 1 निकालना होगा, अपना दिमाग लगा के देखो, ठीक है। Containing 10 black and 8 red. Find probability that both balls are red. Total कितनी है 18. With replacement निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखो, और यही क्वेश्चन अगर एक बार कर लेते हो तो इससे सारी वैरायटी तुम्हारी कवर हो जाएगी। तो 1 by 1 निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, तो दोनों रेड आए, अच्छा प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल चीजों को भी डिफरेंट माना जाता है, पहली भी रेड आए दूसरी भी रेड आए तो रेड कितनी है 8, तो 8 और टोटल हो गए 18, और फिर से वो रेड बॉल तुमने बैग में डाल दी विद रिप्लेसमेंट, तो अब अगेन रेड बॉल
8 हो गई और टोटल बॉल 18 हो गई, तो सेकेंड बॉल भी रेड आए तो 8/18। अगर सेम कैटेगरी है, दोनों रेड है, तो यहां पे ऑर्डर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, R1, R2, R2, R1, बिकॉज वो दोनों सेम फैमिली के हैं। हाँ, यहाँ पे एक रेड और एक व्हाइट होता या एक रेड और एक ब्लैक होता तो हम ऑर्डर कंसिडर करते हैं कि पहली बार में रेड आई कि दूसरी बार में रेड आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर होंगी वन बाय वन। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला गया है पहली बॉल ब्लैक आए एंड सेकेंड इज रेड। अगर ये बोला जाता कि एक ब्लैक आए एक रेड आए तो हमें ऑर्डर कंसिडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट बॉल ब्लैक है, ब्लैक कितनी है 10, टोटल बॉल कितनी है 18 और विद रिप्लेसमेंट है तो ब्लैक बॉल फिर से डाल दी हमने, टोटल 18 बॉल हो गई। और सेकेंड रेड आए तो 8/18, और यहां पे फर्स्ट और सेकेंड बोला गया है क्लियरली, तो ऑर्डर इन्होंने दे रखा है, ऑर्डर इज गिवन, तो तुम्हें ऑर्डर कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यहां पे ऑर्डर कंसिडर करो ब्लैक रेड या फिर रेड ब्लैक, दो ऑर्डर होंगे, तो यहां पे हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा, और यही इसका ट्विस्ट है इन इस टाइप की प्रॉब्लम का। ब्लैक रेड, ब्लैक रेड ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, 8/18, 10/18, 8/18, इसको करोगे 8/18, 10/18, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 10/18, 8/18, ब्लैक रेड है तो ये आपस में कैसे अरेंज होंगे 2 factorial से, तो ये चीज आ जाएगी और यही चीज यहां से भी आएगी। तो आई होप आप डीपली समझ रहे होंगे कि ऑर्डर क्या होता है, कब कंसिडर किया जाना चाहिए और कब कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन 8 red, 7 black balls, 2 balls आर ड्रॉन एट रेंडम, 2 balls आर ड्रॉन एट रेंडम, मतलब हाथ डाला और दोनों बॉल एक साथ निकाली, और अगर कुछ मेंशन नहीं है इट मींस रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट करना इज अ स्पेशल केस, वो एग्जामिनर को देना पड़ेगा। तो दोनों बॉल एक साथ निकाल रहे हो, बॉल सेम कलर की, दोनों बॉल सेम कलर की हो तो ब्लैक ब्लैक या फिर रेड रेड, और सेम फैमिली में ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हैं, भले ही ये दोनों रेड बॉल दोनों आपस में डिफरेंट हो तो इसको ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब B1 B2 को B2 B1 नहीं करेंगे, दो ब्लैक बॉल होनी चाहिए तो यही ऑर्डर रहेगा, दो ऑर्डर नहीं बनाएंगे, B1 B2 B2 B1, सेम फैमिली, तो दोनों ब्लैक बॉल आ जाए, दो ब्लैक बॉल आ जाए, ब्लैक बॉल है कितनी 7 C2 upon टोटल कितना है 8 में 7 जोड़ोगे 15 C2, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 2 factorial नीचे का और 2 factorial ऊपर का ऑर्डर, 2 factorial 2 factorial कैंसिल हो जाएगा, NC2 होता है NN-1/2 factorial, तो 2 factorial 2 factorial न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा, और ऑब्वियसली दोनों बॉल एक साथ निकाल रहे हो तो ऑर्डर कंसिडर नहीं होना चाहिए। और 8 red NC2 की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये 2 factorial 2 factorial कैंसिल होगा, जिससे ऑर्डर आएगा ही, और ऑर्डर आना भी नहीं चाहिए बिकॉज दोनों बॉल एक साथ निकाल रहे हो, और ये बात भी समझ रहे हो कि दोनों ब्लैक दोनों रेड आ रही है तो दोनों रेड है, ऑब्वियसली आपस में भले ही डिफरेंट हो लेकिन उसमें ऑर्डर कंसिडर नहीं करते। हाँ, एक ब्लैक और एक रेड पूछता, दो बॉल निकाल रहे हैं, एक ब्लैक आ जाए और एक रेड आ जाए, ध्यान से देखना, नीचे एक साथ निकाल लो, नीचे एक साथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक 2 factorial ऊपर जाके ऑर्डर बना ले, तो ऊपर से एक ब्लैक और एक रेड के लिए लिख लो, एक ब्लैक 7C1
एक रेड, एक सिल्वर, और ये टू फैक्टर ऊपर जाके अपने आप ऑर्डर बना लेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी क्लियरली कि क्या चीज यहाँ पे कितना रेलिवेंट है ऑर्डर। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, वन बाय वन देखते जाते हैं। एंड अनकंटेन एट रेड एंड फाइव वाइट बॉल, एट रेड है, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बॉल हाथ डाल के एक साथ निकाल ली। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ऑफ सेम कलर्स आर ड्रॉन, तो या तो तीनों रेड आ जाए या फिर तीनों व्हाइट आ जाए। तीनों रेड 8c3, तीनों बॉल एक साथ निकाल रहे हैं, और ये 8 5 13 बॉल हो गई। तीन व्हाइट, व्हाइट कितनी है 5, 5c3। तो आई होप देख रहा होगा थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। nc3 की वैल्यू क्या होती है, n n-1 n-2 डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल। तो थ्री फैक्टोरियल ऊपर नीचे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो ऑर्डर अपने आप ही नहीं आएगा, और तीनों बॉल अगर एक साथ निकाल रहे हो तो ऑर्डर नहीं आना चाहिए। आई होप ये बात समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनकंटेन थ्री वाइट फोर रेड फाइव ब्लैक बॉल्स, टू बॉल्स निकाली जा रही है, ठीक है, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये चीज रेलिवेंट है, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ऑर्डर कंसिडर होगा वन बाय वन में, विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, वन बाय वन में ऑर्डर कंसिडर होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज ब्लैक बॉल, दो बॉल निकाल रहे हैं, एटलीस्ट वन इज ब्लैक। प्रॉपर वे में कर लेते हैं इसको हम लोग, कम से कम एक ब्लैक आए या दोनों ब्लैक आ जाए। तो इसका मतलब एक ब्लैक एक व्हाइट, ठीक है, एक ब्लैक एक रेड या दोनों ब्लैक, ये तीन केसेस बनेंगे, एक ब्लैक या दो ब्लैक। टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल है 5 4 9 9 3 12 बॉल्स है। ध्यान से देखना, वन बाय वन निकाल रहे हैं तो ऑर्डर कंसिडर होगा ब्लैक व्हाइट में, ब्लैक रेड में, लेकिन ब्लैक ब्लैक में ऑर्डर नहीं होना चाहिए, भले ही दोनों बॉल्स डिफरेंट, ठीक है। तो करते हैं, नीचे तीनों बॉल तुम एक साथ निकाल लो, दो बॉल एक साथ निकाल लो, 12c ब्लैक व्हाइट, ब्लैक 5c1 व्हाइट 3c1, चाहो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5c1 3c1 अपॉन 12c2। आई थिंक देख रहे होगे ये वाला टू फैक्टर ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा, br ब्लैक, रेड कितनी है, रेड है 4, नीचे का 12c2 ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा। अब दोनों ब्लैक में ऑर्डर की जरूरत नहीं है, 5c2 अपॉन 12c2, दिख रहा होगा ये टू फैक्टर नीचे आएगा, ये टू फैक्टर ऊपर जाएगा, टू फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहां ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसी का है, थ्री बॉल्स ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर मतलब वन बाय वन, तो ऑर्डर कंसिडर करना होगा। फाइन प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर व्हाइट ब्लैक एंड रेड, फोर व्हाइट 7 ब्लैक 5 रेड, फाइन प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर व्हाइट ब्लैक रेड, तो ऑर्डर कंसिडर करना होगा। और ये चीज पहले ही देखी थी, ऑर्डर कंसिडर करना है तो नीचे तीनों बॉल एक साथ निकाल लो, 9 16 बॉल है, 16 बॉल में से नीचे तीनों बॉल एक साथ निकाल लो, जिससे थ्री फैक्टर ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा। व्हाइट 4c1 ब्लैक 7c1 रेड 5c1, तो ये नीचे वाला थ्री फैक्टर ऊपर जाके ऑटोमेटिकली ऑर्डर बना रहा है। तो आई होप ये बात समझ रहे होंगे सभी लोग कि क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वन बाय वन निकालेंगे तो ऑर्डर कंसिडर होगा, अगर एक साथ निकालेंगे तो ऑर्डर कंसिडर नहीं होना चाहिए। बॉल्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 प्लेस इन अ बैग, बैग में होने का मतलब बॉल्स हमें दिखती नहीं है। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन, एक बैग है,
जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेके 20 बॉल्स रखी हुई हैं, तीन बॉल्स निकाल रहे हैं, 3 balls are drawn out of the bag without replacement. इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि तीनों बॉल एक साथ निकाल लिए. अगर 1 by 1 होता तो लिखता कि 1 by 1 बॉल निकाल रहे हैं, और अगर तीनों बॉल एक साथ निकाली तो फिर ऑर्डर कंसिडर नहीं होना चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स हैव ऑड नंबर? ऑड नंबर क्या होते हैं? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 10 इवन आएंगे, 10 ऑड आएंगे, 10 नंबर हो गए, ये 20 नंबर हो गए. 3 balls are drawn, तीनों बॉल एक साथ निकाल लिए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर 1 by 1 होता तो बोलता 1 by 1 है, तो अगर तीनों बॉल एक साथ निकाल लिए तो ऑर्डर कंसर्न नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे. 10c3 कर लो तो देख रहा होगा 3 factorial 3 factorial ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्डर कंसर्न नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट. अ बॉक्स कंटेनिंग 3 identical रेड बॉल. अब इस बात को समझना, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, प्रोबेबिलिटी में जो चीजें आइडेंटिकल भी होती हैं उसको भी डिस्टिंक्ट मानते हैं. ये इंटेंशनली यहां पे आइडेंटिकल लगा दिया जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए. प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल थिंग्स भी डिस्टिंक्ट होती हैं. यहां पे भी एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा. 3 identical रेड बॉल है, 3 identical ब्लू बॉल है. एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1 ball विद रिप्लेसमेंट एंड अगेन ड्रॉइंग अ बॉल, मतलब 1 by 1 दो बार बॉल निकाल रहे हो. व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब सैंपल स्पेस पूछा है. तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो तो रेड आ जाए ब्लू आ जाए, या फिर ब्लू आ जाए रेड आ जाए, 1 by 1 है तो ऑर्डर कंसिडर होगा, या फिर दोनों रेड आ जाए या फिर दोनों ब्लू आ जाए. दिस इज द सैंपल स्पेस. और यहां पे हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो यहां पे भी तुम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते और उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते. बिकॉज इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल थिंग्स आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट एंड अनकंटेनिंग 8 red, 8 red, 6 white, 4 black balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball, a ball, एक ball निकाली गई, तो कोई मतलब ही नहीं 1 by 1 या simultaneously का एक ही निकाल रहे हो. That is red. तो total कितनी है? 18 ball है. Red आए तो 8 by 18. White आए तो 6 by 18. White और black, और मतलब होता है add करना. White 6 by 18 white आ जाए, या फिर ब्लैक आ जाए 4 by 18. ओके, एंड देन नॉट ब्लैक, ब्लैक ना आए, ब्लैक ना आए इसका मतलब या तो रेड आए या व्हाइट आए, या तो रेड आ जाए या फिर व्हाइट आ जाए. सिंपल, क्लियर. नेक्स्ट क्या है? ए बैग कंटेन्स 5 red, 4 green. Three balls are drawn at random. इसका मतलब तीनों बॉल एक साथ निकाल रहे हो. Find probability of drawing exactly 2 red. दो रेड आनी ही चाहिए, तो 2 red आ जाए, 1 green आ जाए, या 2 red आ जाए, 1 blue आ जाए. अब ध्यान समझना बात को, कैसे मैथमेटिकली कर रहे हैं हम. नीचे 3 balls निकाल रहे हो तो ऑर्डर कंसिडर नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 red, 2 red और 1 green आ रही है, 2 red और 1 blue आ रही है. ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे इस बात को ध्यान समझना. 2 red निकाल लू पहले, तो 2 red है कितनी? 5c2. ठीक है, 5c2, 5 में से 2 red निकाल ली. और टोटल कितनी है? टोटल है तुम्हारी 5, 4, 9, 3, 12 balls. ग्रीन कितनी है? 4c1. और नीचे टोटल 12 बॉल है और 3 निकाल रहे हो तो 12c3.
क्या कर लेंगे यहाँ पे 12C3, तो ये 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इवेंचुअली फाइनली ऊपर। अब इसी तरह से 2 रेड 5C2, 1 ब्लैक, ब्लैक क्या है 3C1 अपॉन 12C। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सबको। नेक्स्ट देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बेयरिंग द नंबर 1, 2, 3। रेड में 1, 2, 3 लिखा है, R1, R2, R3। ब्लू बॉल्स है, 2 ब्लू बॉल्स बेयरिंग द नंबर 4, 6। ब्लू बॉल पे 4 लिखा है, 6 लिखा है, टोटल कितनी बॉल हो गई 5। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स नंबर इज नोटेड इन एंड द बॉल इज रिप्लेस इन द बैग, एक बॉल निकाली फिर रिप्लेस कर दी, देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स नंबर इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बोला गया है तो ऑर्डर तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, फर्स्ट बॉल पे 1 लिखाओ, मतलब ये वाली बॉल एक ही है, टोटल बॉल कितनी है 5। एंड सेकेंड पे फर्स्ट ड्रॉ, फोर्थ ऑन द सेकेंड, सेकेंड पे फोर्थ लिखाओ, 4 वाली बॉल भी एक ही है, 1/5। फर्स्ट ड्रॉ में लेस देन 1 हो, 1 हो या 2, लेस देन 1 की 2 ही बॉल है, और सेकेंड ड्रॉ में 6 हो, 1, 6, 2, 6, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बॉल है 6 वाली, प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 भी एक ही बॉल पे लिखा है, 6 भी एक ही बॉल पे लिखा है, दैट्स इट, अ टोटल ऑफ 5। 2 बॉल्स निकाल रहे हैं 1/1 विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है, इस बात का ध्यान रखना। टोटल 5 आए तो टोटल 5 कैसे आ सकता है, 1, 4, 2, 3। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, बाय द वे 5 है, अगर ये 4 होता तो 2, 2 भी लेते, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 2, 3 एंड 3, 3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, मेरे ख्याल से 2 ही केस आएंगे, 1, 4 एंड 2, 3। ठीक है, 6 का कोई मतलब ही नहीं, 4, 4 से बनेगा नहीं 5, 3, 3 से 6 बन जाएगा, तो यही 2 केस आएंगे, तो सिंपली 1 आने के लिए 1/5, 4 आने के लिए 1/5, 2 आने के लिए 1/5, 3 आने के लिए 1/5, और 1/1 निकाल रहे हो, तो ये दोनों नंबर 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, 1, 4, 4, 1, क्योंकि पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे गलती करते हैं, तो 1/1 में तुम्हें ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ए बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, मतलब ये हुआ कि 80 आर गुड एंड 20 आर डिफेक्टिव, 10 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली नॉन डिफेक्टिव बल्ब, 100 बल्ब्स में से 10 सेलेक्ट करे गए, और वो नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड आए, मतलब 80C10, देख रहे हो 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 10 बल्ब एक साथ निकाल रहे हो। ठीक है, तो ऑर्डर कंसिडर नहीं करना होगा, ओनली डिफेक्टिव, डिफेक्टिव से 10 निकाल लो नीचे, तो 100C10 ही रहेगा, नो बल्ब, ओनली नॉन डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव बल्ब, आई थिंक नो डिफेक्टिव बल्ब, तो यही आएगा, नो डिफेक्टिव बल्ब फिर से ही आ जाएगा, रिपीट हो गया, नो डिफेक्टिव और ओनली नॉन डिफेक्टिव आर सेम, इज इक्वलेंट टू 1। नेक्स्ट, ए बॉक्स कंटेन 4 रेड 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, ए पर्सन ड्रॉ 4 बॉल्स फ्रॉम द बैग एट रेंडम, इसका मतलब चारों बॉल एक साथ निकाल रहे हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, 4 बॉल निकाल रहे हैं, 4 रेड 15 बॉल
एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है, इसका मतलब तीनों डिफरेंट कलर आने चाहिए। दो रेड ले लो, एक व्हाइट ले लो, एक ब्लैक ले लो, या फिर एक रेड दो व्हाइट एक ब्लैक, या फिर एक रेड एक व्हाइट दो ब्लैक। ओके, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। तो सिंपली 15 बॉल में से 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो रेड, 4 में से 2 बॉल रेड ले ली, 5 में से 1 व्हाइट ले ली, 6 में से 1 ब्लैक ले ली, प्लस 15 में से 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 में से 1 रेड ले ली, 5 में से 2 व्हाइट ले ली, 6 में से 1 ब्लैक ले ली, फिर 15 में से 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 में से 1 रेड, 5 में से 1 व्हाइट, 6 में से 2 ब्लैक। दिस आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनकंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाल ली, ठीक है, इट्स कलर इज मूटेड। अच्छा, एक बॉल निकाल ली तो या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी, ओके, या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी, ठीक है। अब निकाली बॉल और उसका कलर नोट कर लिया, रेड आया तो रेड कलर नोट कर लिया, ब्लैक आया तो ब्लैक नोट कर लिया, ठीक है, एक बॉल निकाल रहे हैं तो साइमल्टेनियसली और वन बाय वन का कोई मतलब नहीं है। एंड रिटर्न टू द अन, अगर रेड आई तो वापस रख दी, नोट कलर नोट करके रेड को वापस रख दिया, वही कंफिगरेशन हो गया, 5 रेड 5 ब्लैक, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ सेम कलर ड्रॉन आर पुट इन द अन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रेड आया तो 2 रेड बॉल और रख दी जाएंगी यहां पे, अगर रेड आ गया तो 2 रेड बॉल और रख दी, इसका मतलब 7 रेड प्लस 5 ब्लैक हो गए, और अगर ब्लैक बॉल आई तो 2 ब्लैक बॉल और रख दी, अब कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से दोनों इक्वली लाइकली होगा, या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी, और जहां आता है वहां ऐड करा जाता है, ठीक है। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर से एक बॉल निकाली, या तो यहां से निकालोगे या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे, या तो ये रास्ता जा सकता है या फिर ये रास्ता जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, मतलब अब जो बॉल निकाले वो रेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन विदाउट नोइंग द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं दो स्टेप में। पहले तुम रेड निकालो, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक रेड निकालनी 5/10। अब सेकेंड बॉल इज रेड, यहां पे भी रेड निकालना है और यहां पे भी रेड निकालना है। अब यहां से रेड निकालो तो 7/12 हो जाएगी, प्लस इस केस में आओ ब्लैक निकालो, ब्लैक क्या आएगा 5/10। अब रेड निकालो तो 5/12, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर सिंपली मिल जाएगा यहां पे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, वैसे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बट उस फॉर्मूले को बिना जाने हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस यूज करके। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी, बैक्स एंड बॉल्स के अगर नेक्स्ट टाइम पे प्रॉब्लम आते हैं तो इजिली अटेंड कर सकते हो।